हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जुबिया फ्रॉम खान्स किचन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है सबके फेवरेट छोले। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं छोले बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ पर पैन में मेरे पास है 3 से 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरे कुछ खड़े मसाले, एक तेजपात का पत्ता, एक टुकड़ा मेस का यानी जावित्री का, 4 लौंग, एक बड़ी इलायची, 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े, और यहाँ पर मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1/4 टीस्पून ऑफ हींग। इसमें चला जाएगा 1 बड़ा चॉप्ड अनियन। ये मैंने अनियन फूड प्रोसेसर में चॉप किया है, आप चाहें तो कैसे भी इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं, आप चाहें तो प्यूरे भी कर सकते हैं। इसको मुझे तब तक भूनना है जब तक कि अनियंस अपना कलर चेंज ना कर दें। यहाँ पर प्याज को भूनते हुए हो चुके हैं 5 मिनट और प्याजों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ क्रश्ड जिंजर, 2 टेबलस्पून ऑफ क्रश्ड गार्लिक, और ये है 2 टीस्पून ऑफ क्रश्ड चिली यानी ग्रीन हरी मिर्च, यानी 2 से 3 हरी मिर्च। इनको हम सॉटे करेंगे जब तक कि एरोमेटिक ना हो जाए। यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहती हूँ, मैंने लिया था 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर। लहसुन अदरक को भूनते हुए हो चुके हैं 2 से 3 मिनट। अब आइए हम डाल देते हैं हमारे कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च, 2 हीप्ड टीस्पून ऑफ छोले मसाला। और यहाँ पे मेरी फ्लेम लो है, अब मैं दे दूंगी इसे एक अच्छा सा मिक्स। यहाँ पर मैं अपने मसालों को भूनने के लिए वही वाटर यूज कर रही हूँ जो मैंने छोले बॉयल करते हुए यूज किया है, ठीक है। मैंने 2 बार ऑलरेडी पानी डालकर इन मसालों को भून लिया था, एक बार और कर रही हूँ। आपको मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छे से बबल्स रिलीज ना होने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भून चुका है। ये जो आप बबल्स देख रहे हैं ये निशानी है कि हमारा मसाले जो सूखे वो अच्छे से भून चुके हैं, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम टमेटोज जो मैंने यहाँ पर प्यूरी करके रखा है। आप चाहे तो इनको छोटा छोटा काट सकते हैं, प्यूरी करना जरूरी नहीं है। तो 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्ट थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि जब भी हमें इसमें पानी की जरूरत होगी हम हमारा छोले वाला पानी यूज करेंगे। अब हम इसे एक मिक्स देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमेटोज ऑयल रिलीज ना कर दें। यहाँ पर हमारा जो टमाटर वाला मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, उसने अच्छे से तेल रिलीज कर दिया है। तेल हमने ज्यादा नहीं डाला था तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे 1 कप्ड बॉयल्ड चिकपीस। इन चिकपीस को मैंने रात भर भिगो दिया था और उसके बाद मैंने 4 विसल लिए। तो मैं एक उठाकर दिखा देती हूँ, एकदम गले हुए हमारे चिकपीस। हम दे देंगे इसको एक अच्छा सा मिक्स और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम डालेंगे हमारा जो हमने चिकपीस बॉयल करने के लिए वाटर यूज किया था वही वाला। आप यहाँ पर सॉल्ट टेस्ट कर लें, अगर आपको आपका अच्छा सॉल्टी है सब्जी तो आप ये वाला पानी यूज ना करें क्योंकि चिकपीस बॉयल करते हुए भी हम नमक यूज करते हैं, तो बी केयरफुल विद द सॉल्ट। थोड़ा सा और पानी, थोड़ा सा सिलेंट्रो हरा धनिया, और फिर मैं इसको कवर करके कुक होने दूंगी। मीडियम फ्लेम पे छोलों को कुक करते हुए मुझे हो गए हैं 2 से 3 मिनट। अब इसमें मैं कुछ लास्ट मिनट चीजें डाल दूंगी, जिसमें मेरे पास है 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1 से 2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, थोड़े से अदरक के जूलियंस। अब हम इसे मिक्स करेंगे और फिर से इसको 2 मिनट कवर होके कुक होने देंगे। छोलों को कुक होते हुए हो चुके हैं 2 मिनट। आइए उठाकर देख लेते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। डिलीशियस, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह बहुत बढ़िया लग रही है, तो मैं इसको कर दूंगी असाइड एंड लेट्स मेक अ तड़का फॉर इट। ओके फ्रेंड्स, तड़के के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 4 से 5 कड़ी पत्ते। मैं कर दूंगी इसे कवर सो दैट जब ये कड़ी पत्ते क्रैकल हो तो उछले नहीं। कड़ी पत्ते हो गए हैं क्रैकल, इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से अदरक के जूलियंस, ठीक है। इनको हम कुछ कपल ऑफ सेकेंड्स के लिए सॉटे करेंगे। अब इसमें चली जाएगी
क्वार्टर टू हाफ टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च, और जैसे ही डालूंगी मैं लाल मिर्च मैं डाल दूंगी अ टीस्पून ऑफ वाटर, ठीक है। इन सबको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स, और ये जो हमारा तड़का रेडी हुआ है ये चला जाएगा हमारे छोलों के ऊपर। छोलों को करते हैं सर्व। आप देख रहे हैं कि इनका टेक्सचर, इनकी कंसिस्टेंसी ब्यूटीफुल है, ये टेस्ट में भी उतने ही लाजवाब बने हैं। आइए अब हम पोर कर देते हैं जो हमने तड़का तैयार किया था वो, और गार्निश कर देते हैं हरे धनिए से। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है बहुत ही डिलीशियस और लजीज हमारे छोले, जिनको आप खा सकते हैं नान के साथ, चावलों के साथ, कुलचे के साथ। तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए, एंजॉय करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग खान्स किचन।